गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये होने वाली है सरोजनी हॉल पार्ट टू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे सरोजनी हॉल पार्ट वन को इतना ज़्यादा प्यार दिया, वो 6 लाख व्यूज़ पर है। मतलब अभी तक की मेरी सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट पे कोई वीडियो चली है तो वो वही है। और उसके बाद जितने भी अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं वो सारे मेरे शॉपिंग हॉल और इन सब हॉल वीडियोस पे ही हैं। तो मैं दिल्ली गई थी फॉर एक शूट था उसके लिए, फिर मुझे हेयर कलर करवाना था, सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग सरोजनी कि मैं दोबारा जाऊंगी सरोजनी और देखूंगी इस बार क्या कलेक्शन आया है। तो यस, मैंने हेयर कलर करवाया, मैंने पर्पल कलर करवाया, आप मैं व्लॉग देख ही चुके होंगे वो। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, मीशो और जो मिंत्रा हॉल ऑलरेडी शूट होकर एडिट होकर रखे हुए हैं, या तो वो अपलोड हो गए होंगे। वो अपलोड अभी तक इसलिए नहीं हुए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस चक्कर से मुझे उन दोनों को होल्ड करना पड़ रहा है और मुझे पहले सरोजनी निकालनी पड़ रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप आ जाता मेरी वीडियो में। तो चलो बिना किसी बकवास और देरी के चलते हैं वीडियो में, चलते हैं फिर से सरोजनी। फाइनली आ गए हम सरोजनी और इतनी भूख लग रही थी ना यहाँ पर, तो आते ही हम सबसे पहले जाते हैं खाने के स्टॉल पर। एक तो संडे था, इतनी भीड़ थी यहाँ पर, फिर भी जैसे तैसे खाने को लिया मैंने मोमोज और सब कुछ, लेकिन टेस्ट किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं था। इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि डायरेक्ट हम शूट से सरोजनी गए थे, तो वहाँ जाके मैंने सबसे पहले कुछ खाया पिया था। और मैं सच बताऊँ तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगा था। पाव भाजी ऐसा लग रहा था कि यानी कलर्ड रेड आलू की सब्जी के साथ पाव दिए थे, और ओके ओके वो थे मोमोज। फिर उसके बाद हम चले गए थे आगे कुछ ना कुछ खरीदने। इस बार मैं बैग लेके गई थी अपना, ये सोच के कि मैं बैग भर के शॉपिंग करूँगी। तो इस बार मेरे को सरोजनी में कुछ नया कुछ ज़्यादा अच्छा स्टफ़ तो नहीं लगा। मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के सामान लिया है, तो भी मैं इतना ही ले पाई, ज़्यादा नहीं ले पाई। और बाकी मैं थोड़े टाइम पहले गई थी, 1-2 महीने पहले गई थी, तो काफ़ी कुछ सिमिलर फुटवेयर्स और सिमिलर बैग्स ही थे, कुछ नया कलेक्शन आया नहीं था। और एक और बात, जो काफ़ी सारी शॉप्स थी लाइक जो ग्राफिटी वॉल के आसपास, ग्राफिटी लेन वाली जो जगह थी बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर कोई स्टॉल्स नहीं लगे थे, पुलिस वालों ने सब हटा दिया। तो यस, आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी कि अब सरोजनी सरोजनी जैसा नहीं रहा जैसे वो पहले था, वो बिल्कुल सही बात है। सरोजनी में अब वो वाली बात नहीं है जो कभी हुआ करती थी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको छोटी सी चीज़ जो मैंने ली थी, ये पॉकेट कैप। वैसे मेरे पास बहुत सारी हैं, मैंने अमेजोन से मंगवा कर कलेक्ट कर ली थी, लेकिन मेरे पास डेनिम में ये शेड की नहीं थी, लाइक ग्रेइश ब्लैकिश इसका शेड ही मेरे शॉर्ट से बिल्कुल मैच करेगी अभी। तो ये मैंने 200 रुपीज़ की पॉकेट कैप ली थी, क्वालिटी भी सही है और वॉश भी मैंने इसको करा दिया है, कलर भी नहीं गया है, तो काफ़ी सही लग रही है ये। वहाँ पे बहुत सारे कलर्स की मिलती हैं, आप देख सकते हो। 250 रुपये बोल रहे थे लेकिन मैंने 200 रुपये मिली, बार्गेनिंग करना सीख गई हूँ मेरे से रहने थे। हाँ वैसे नितिन ने बहुत ज़्यादा मज़े करे, मैं ना साइड में बीच बीच में इसकी क्लिप्स लगाऊंगी कि मैं तो चलो अपना कुछ ना कुछ अटायर देख रही हूँ और लड़ रही हूँ उनसे, लड़ के आ रही हूँ मतलब बार्गेन कर रही हूँ। ये अपना अलग ही लगा हुआ है लोगों से बेल्ट का बार्गेन करने, लोगों से मस्ती करने, दिखाऊंगी मैं वो सारी क्लिप्स आपको। नेक्स्ट मैंने ली थी एक ये टी शर्ट, लाइक इसका कलर कितना प्रिटी है, येलो इज माई सेकेंड फेवरेट कलर, फर्स्ट ब्लैक है। और आप देखो ज़रा इसका कलर कितना प्रिटी है, ये 200 रुपीज़ की टी शर्ट है और आई होप इसका फिट मुझे अच्छा आएगा। ज़ारा की है, मीडियम साइज का मैंने लिया है और इस पर ज़ारा का टैग लगा है, बट आई डोंट थिंक ये ज़ारा की होगी। ये 200 रुपये की है। इसके साथ मैंने एक और ली थी, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगी, ऐसे प्लेन स्टॉक प्लेन टॉप में बहुत पहनती हूँ, इसके साइड में फ्रिल्स थे इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। छोटू सा हाई नेक है इसका और ये स्किन कलर का है, ये मैंने स्मॉल साइज़ लिया था और ये मैंने मीडियम साइज़ लिया था। ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा है, इसका कपड़ा थोड़ा पतला लग रहा है मुझे। लेट्स सी कैसा है और इन दोनों के फिट आपको कैसे लग रहे हैं। ये दोनों मैंने लिए हैं 200-200 रुपये के। इस बार आपको सरोजनी में इस तरीके के टॉप बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर में मिल जाएंगे और ये सिर्फ 200 रुपीज़ के हैं। इसमें आप कुछ बार्गेन कर लो कुछ कर लो, वो 200 रुपये से कम नहीं देंगे, ये फिक्स प्राइस होते हैं। उसके बाद मैंने ली थी ब्लैक शर्ट, ऐसी बेसिक ब्लैक शर्ट मेरे पास है, बिल्कुल सेम मटेरियल की मेरे पास है, लेकिन ये बेसिक नहीं है गाइज, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश लगी मेरे को।
ये आगे से तो देखते में आपको लगेगा बेसिक लॉन्ग ब्लैक शर्ट है, लेकिन इसका मजा इसको पीछे से देखने में। आप इसका बैक देखो, ये कितना ज्यादा स्मार्ट है। और ये भी मैंने 200 रुपीज़ की खरीदी है, मतलब वो एक शॉप थी वहाँ पे आपको लाइक सारा सामान 200 रुपये में मिलेगा। काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें थी, ड्रेसेस भी थी और लाइक लोअर्स भी था, सब कुछ थे, सब 200 का था। फिर मैंने उसमें से छाट के ये निकाला, ब्लैक कलर की शर्ट है, ये लूज़ होगी थोड़ी, लाइक इसका फिट लूज़ होगा, लेकिन ये बहुत प्रिटी है। हाँ देखो कैसी लग रही होगी, 200 रुपये में आपको कैसी लगी है बताना ज़रूर। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट मैंने ये शर्ट ली है, समर्स में कहीं बाहर जाना होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कुछ फुल स्लीव्स का मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो जैसे ये शर्ट है थोड़ी ऑब्वियसली फॉर्मल शर्ट है, इसको पहन के आप कॉलेज भी जा सकते हो और ऑफिस भी जा सकते हो। देखो इसका कलर कितना अच्छा है, इसका मटेरियल कितना अच्छा है, ये थोड़ी सी मैश काइंड ऑफ है, आप देख सकते हो सी थ्रू है ये। और इसके अंदर आप स्पेगेटी पहन के या ब्रालेट पहन के बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने ये दो लिया है, एक बेसिक वाइट और दिस ग्रीन, सेम है ये वाइट। इन दोनों का मैं प्राइस बताती हूँ। एक्चुअली इन्होंने मुझे 350 एक शर्ट का बताया था, लेकिन मैंने इनके यहाँ से काफ़ी कुछ सामान लिया था बल्क में, तो इन्होंने फिर लाइक टोटल में कम कर दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ मुझे शर्ट कितने की पड़ी थी। शर्ट 250 रुपये की मुझे शर्ट पड़ी थी, 250 की मैंने शर्ट ली थी, वैसे 350 की थी। वो कहते हद से 350 की थी, उन्होंने कहा था हद से 300 दे दो, लेकिन जब मैंने उनमें से बहुत सारा सामान लिया तो उन्होंने मुझे 250 की लगा दी थी। ये 250 रुपये की शर्ट है, स्मार्ट लगेगी ये पहन के नो डाउट, इसलिए मैंने दो ले ली थी। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया था एक क्यूट सा नाइट सूट, ये मुझे उसने सजेस्ट किया कि ये ले लो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये, इसमें पांडा बना हुआ है और शर्ट है ऊपर हाफ स्लीव्स का, ये है आगे पॉकेट है, और ये इसका मटेरियल कॉटन है, थोड़ा सी थ्रू लग रहा है, मुझे लगता है वॉश होने के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये वॉश नहीं हुआ है अभी। और शॉर्ट्स में कोई भी पॉकेट नहीं है। 300 रुपीज़ का ये नाइट सूट है, लेकिन 300 मुझे सही लगा नाइट वियर के लिए, मतलब घर में पहनने के लिए मुझे चाहिए होते हैं ऐसे कपड़े, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था बेसिक ग्रे, 300 रुपीज़ का। नेक्स्ट जो है मैंने लिया था वो ये टॉप था। आजकल एथनिक ड्रेसेस में ये प्रिंट बहुत ज़्यादा इन है, ये कॉटन का टॉप है, ये मुझे बहुत प्रिटी लगा। बीच में देखो इसमें इलास्टिक है, नीचे से लूज़ फ्रिल पैटर्न है, इसकी स्लीव्स देखो इतनी लूज़ हैं, स्क्वायर इसका नेक है और पीछे लाइक डोरी है बांधने के लिए। मैंने इसको क्रीम कलर में लिया है, ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, ये भी उसने 350 का बताया था, लेकिन ये मुझे 250 का ही दिया था उसने। तो ये 250 रुपीज़ का टॉप है, ये मैंने सेम जगह से लिया था जहाँ से मैंने वो दोनों शर्ट बाय की थी। आई होप इसका फिट और इसका लुक अच्छा आ रहा होगा वीडियोज़ में। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन मैंने ये ली थी शर्ट, ये थोड़ी लॉन्ग शर्ट है, इसको बीच में से बेल्ट लगा के आप इसको बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हो। साटन इसका मटेरियल है, थोड़ा हैवी लाइक थोड़ा थिक मटेरियल है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, कलर भी इसके बहुत अच्छे हैं। ये लॉन्ग ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो आप, शॉर्ट्स के ऊपर बेल्ट लगा के, बैग लेके, बूट शूट्स पहन के बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो। लेट्स सी कैसा आएगा इसको, इसका फिट कैसा आएगा, मैंने इसको अभी भी ट्राई नहीं करा। और ये मैंने ली थी 200 रुपीज़ की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और सस्ती मिल जाती, मैं उसने मुझे पता नहीं कितने रुपये बताए थे, इसके 350 या 400 बताए थे। मैंने कहा भैया 200 रुपये दूंगी, उसने तुरंत उतार के दे दी। मैंने कहा शिट ज़्यादा बोल दिया मैंने, मुझे 100-150 रुपये बोले थे झिक झिक करके, शायद मुझे कम में मिलती, लेकिन 200 रुपये भी बहुत है, बहुत अच्छी मिलती 200 रुपये में ये टीम मुझे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ दिस, ये वाले टॉप यार बहुत ज़्यादा इन है, मतलब आपको ये हर शॉप पे मिल जाएगा सरोजनी पे। ये बीच में से इलास्टिक वाले फुल स्लीव्स, फिर आगे स्लीव्स इलास्टिक, मैंने इसलिए मुझे कई बार होता है जब मैं लोकल शॉपिंग पे जाऊँ मम्मी के साथ या फिर कहीं, तो मेरे को चाहिए होते हैं कुछ फुल स्लीव्स के टॉप्स मिल जाएँ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
समर्स में स्पेशली। वैसे तो मैं लूज टी शर्ट्स ही पहनती हूँ, लेकिन कई बार मुझे ऐसे टॉप चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं ले लेती हूँ, कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। ये भी 250 रुपये का टॉप था और आई नो इसकी फिटिंग अच्छी आएगी, अच्छा लगेगा ये लग के स्किन कलर का। नेक्स्ट, मैंने इस बार फुटवेयर्स बिल्कुल नहीं खरीदे, मेरे पास बहुत सारे फुटवेयर्स हो गए थे। मैं इस बार जो कलेक्शन था उसमें से मैं छाट के लाई हूँ चीज़ें। मैंने एक नाइट सूट और लिया था, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी 300 रुपीज़ का नाइट सूट है, शॉर्ट्स वाला, इसमें फिर कोई पॉकेट नहीं है। मैं पॉकेट का इसलिए जिक्र करूँगी क्योंकि मेरे पास पहले मेरे नाइट सूट हैं ना उनमें पॉकेट हैं जो ऐसे शॉर्ट्स वाले हैं। इसमें शर्ट में आगे पॉकेट, हाँ बस फ्रंट पॉकेट है। ये भी 300 रुपीज़ का सेट है, घर में पहनने के लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये बेल्ट। लास्ट टाइम जहाँ से मैंने बैग लिए थे, अगर आपको याद होगा, मैंने बीच बैग जहाँ से लिए थे मैंने आपको दिखाए भी थे, उसी शॉप पे गई थी, उसके पास और भी बैग थे नए नए आए थे जो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, मैं ले भी रही थी। फिर मुझे नितिन कहता है लेके क्या करेगी, कहीं जाना वाना तो होता नहीं, वो दोनों बैग भी घर पर पड़े, इनको भी घर पर पड़ा रखने के लिए ले ले। मैंने कहा भाई सही कह रहा है, इसीलिए मैंने उन दोनों बैग को नहीं लिया, क्योंकि मेरी किस्मत में पता नहीं कब होगा बीच बीच जाना, कब मैं उन्हें कैरी करूँगी, कब मैं लुक्स बनाऊँगी, इसीलिए मैंने वो बैग नहीं लिए, वरना पसंद तो मुझे बहुत आ रहे थे। फिर मैंने कहा खाली हाथ तो नहीं जाती, फिर वहाँ से मैंने बेल्ट ली। मुझे था कि इसको काफ़ी चीज़ों के साथ अच्छे से वियर कर सकती हूँ, बहुत प्रिटी ऐसी बेल्ट मेरे पास थी भी नहीं। ये बेल्ट मुझे 200 रुपीज़ की मिली है, वो वाले बहुत खड़ूस भैया हैं, बिल्कुल भी बार्गेन नहीं करते। नेक्स्ट, मैंने एसेसरीज़ में भी बहुत कम एसेसरीज़ लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। लास्ट टाइम मैंने इतनी सारी एसेसरीज़ ली थी, मैंने सच बताऊँ मैंने उसमें से अभी तक एक भी एसेसरी नहीं पहनी है। ये मैंने इस बार ली थे, ब्लू कलर के बहुत ही प्रिटी लग रहे थे मुझे ये, और ये मैंने 150 रुपये के लिए थे। तो बस मैंने इकलौते ही इयर रिंग लिए हैं, नहीं एक और इयर रिंग लिए हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा। ये खरीदे हैं, ये 100 रुपीज़ के इयर रिंग थे। लास्ट टाइम ऐसे से ज़ारा वाले इयर रिंग्स 150 के थे, लेकिन ये वाले 100 रुपीज़ के हैं, उनको भी मैंने अभी तक नहीं पहना, इसलिए मुझे था मैं अब ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं वही लूँगी जो मैं पहनूँ। तो ये भी 100 रुपीज़ के थे, आपको मिल जाएंगे ये इसलिए हर स्टोर पर। और एक बात भी होती है, सरोजनी के 3-4 गेट हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से गेट से आप एंटर करोगे तो आपको किस तरीके का मार्केट मिलेगा। क्योंकि मैं सरोजनी जब पहले गई थी तो मैंने किसी दूसरे गेट से एंटर किया था, तो वहाँ से काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह थी। इस बार जब मैंने एंटर किया तो उसने मुझे पता नहीं कौन से गेट को उतार दिया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था सरोजनी में। तो मुझे समझ आया कि काफ़ी लोग कई बार किसी दूसरे गेट से एंटर कर लेते हैं, तो बहुत अंदर मार्केट में घूमना घूमना पड़ता है, तब वो गलियाँ मिलती हैं, यहाँ पर ऐसा ऐसा सामान मिलता है। तो यस, दैट्स ऑल, मेरा पिटारा हो गया है खाली। मैंने इतना ही इस बार सरोजनी से शॉपिंग की थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। फुटवेयर्स मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे लिए थे, कुछ भी न्यू कलेक्शन नहीं था, और टॉप भी यही थे। अब मुझे लग रहा है मुझे विंटर्स में जाना पड़ेगा, तब कुछ अच्छा मैं स्टफ ले पाऊँगी। एंड मैंने इस बार कोई बॉटम वेयर भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे साइज़ का बड़ा इशू लग रहा था, वरना वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कलर्ड पैंट्स जैसे आपको ज़ारा और H&M में देखने को मिल रही हैं आजकल, वहाँ पर थी वैसी पैंट्स, लेकिन मैंने ली इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कलेक्शन कर लिया है ज़ारा और H&M से, हर कलर की है मेरे पास। अगर मैं वो लेती भी तो मैं वो यूज़ ना हो पाती, अच्छी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मुझे इसका भी इशू हो रहा था, वो हाई वेस्ट है लो वेस्ट है, प्लस सेकंड थिंग वो वेस्ट आपकी नाप रहे थे, लेकिन मेरे को हो रहा था कि यार ट्रायल रूम्स होते तो पहन के देख लेती ज़्यादा बेटर होता, ट्रायल रूम्स नहीं होते, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन संडे था, वहाँ इतनी ज़्यादा रश और खिचड़ी पक रहा था ना मार्केट में, सांस लेना मुश्किल हो गया था इस गर्मी में, तो मैं इतना ही कुछ शॉपिंग कर पाई वहाँ से। और तो मैंने कहा चलो यही मैं आपको दिखाती हूँ। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा छोटा सा इस बार का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने मेरी सरोजनी हॉल फर्स्ट वीडियो फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर ज़रूर देखना, उसमें मैंने बहुत कुछ खरीदा था जैसे आप लोग को तो पता ही है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस सुपर सून, बाय बाय, लव यू।